An Academy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली रशिया के द्वारा कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से जो रेक्टिफिकेशन उसने दिया था उसे रिवोक कर लिया है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की माने तो उनका कहना है कि ये जो स्टेप लिया गया है ये डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है ताकि रशिया जो है वो यूएस की लाइन पर चल सके न्यूक्लियर टेस्ट के मामले में। दोस्तों, ये सीटीबीटी ट्रीटी क्या है, रशिया ने रिवोक क्यों किया है, इसकी वजह से इंटरनेशनल जियोपॉलिटी के ऊपर और न्यूक्लियर डिटरेंस के ऊपर क्या असर पड़ सकते हैं, उसे मैं शुभेंदु चौहान आप लोगों के साथ में सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में साथ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो, मेरे क्लास की अपडेट पीपीडी पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है और आप जुड़ना चाहते हो अनअकैडमी के साथ में तो आप हमारी ऑफलाइन बैचेस के अंदर जुड़ सकते हो। 6 से 16 नवंबर के बीच में बैचेस जो है वो शुरू कर दी जा रही है, आप चाहो तो उसके अंदर इनरोल कर सकते हो, नीचे लिंक मैंने पिन करा दी है। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, आप सब लोग जानते हो कि न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग किया जाता है डिटरेंस को क्रिएट करने में। भारत ने अपने पास में जो न्यूक्लियर वेपन रखा है या उसे डेवलप ही किया था इसलिए ताकि चाइना और पाकिस्तान के मन में एक डिटरेंस क्रिएट किया जा सके। ठीक उसी तरीके से हर एक देश न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करता है ताकि डिटरेंस हो उसके दुश्मन के पास में। मतलब ये न्यूक्लियर वेपन को कई बार बताया जाता है कि एक्ट ऑफ टेरर से बचाने के लिए है, बट ये एक्ट ऑफ टेरर से बचाने का वेपन अपने आप में काफी टेररिजिंग है। इतना ही नहीं, किसी बहुत समझदार आदमी ने कहा है कि न्यूक्लियर वेपन का डिटरेंस अपने आप में काफी घातक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है। 1945 के अंदर सबसे पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया गया था पूरे विश्व में। इसने अपने आप में काफी चर्चा जो है वो समय पे गेन की। 1949 के अंदर रशिया ने भी अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया। 1949 के बाद में आपको याद होगा कि समय था कोल्ड वॉर का, जिस समय पर रशिया और यूएस के बीच में लगभग हर फील्ड के अंदर कंपटीशन चल रहा था, जहां पर दोनों ही देश अपनी पावर एक दूसरे को दर्शा रहे थे। और न्यूक्लियर वेपन से मजबूत चीज या बेहतर चीज क्या होती, अपनी पावर को दर्शाने के लिए। इस कारण से ठीक इस 1949 के बाद लगातार कई सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए गए 1945 से 1996 के बीच में। इन टेस्ट के अंदर यूएस के द्वारा 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया गया और रशिया के द्वारा लगभग 700 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया गया। इन दो देशों के द्वारा ही केवल न्यूक्लियर वेपन को इस समय पर टेस्ट नहीं किया गया था, इवन फ्रांस के द्वारा 210, ब्रिटेन के द्वारा 45 और चाइना के द्वारा 45 न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को समय पर टेस्ट किया गया था। यानी कि यह समय वो था जिस समय पर लगातार न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया जा रहा था, और जब यह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जा रहा था तो उसकी वजह से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बढ़ रहा था, वर्ल्ड के अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ रही थी, क्योंकि लगभग हर पावरफुल देश या कहूं हर परमानेंट मेंबर के पास में न्यूक्लियर वेपन थे और वो इन टेस्ट के जरिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स को और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। इस कारण से पूरे वर्ल्ड के अंदर इस चीज के खिलाफ, क्योंकि इस वर्ल्ड ने ऑलरेडी हिरोशिमा और नागासाकी का अटैक देख लिया था, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इन न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट के खिलाफ आवाज उठना शुरू हुई, जिसके बाद 1963 के अंदर सबसे पहली बार लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी लगती है। यानी कि इस तरीके की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग के ऊपर लिमिटेड बैन लगाया जाता है, जहां पर कहा जाता है कि कोई भी कंट्री आउटर स्पेस में, एटमॉस्फेयर में या अंडर वाटर में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगी, पर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए जा सकते थे। 6 साल बाद 1969 के आसपास थ्रेशहोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी जो है वो यूएस और रशिया साइन करते हैं। इस ट्रीटी के अंदर क्या किया जाता है, इस ट्रीटी के अंदर बेसिकली रशिया और यूएस डिसाइड करते हैं कि ऐसे सारे न्यूक्लियर टेस्ट ही किए जाएंगे जो 150 किलोटन से कम यील्ड प्रोड्यूस करे। मतलब ये थ्रेशहोल्ड लगा दी, थ्रेशहोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी, कि इससे ज्यादा यील्ड प्रोड्यूस करने वाले टेक्नोलॉजीज वगैरह को टेस्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि ये सारे स्टेप सिग्निफिकेंट नहीं थे। 1990 आता है, जिस समय पर सोवियत यूनियन अपने आप में बिखर जाता है, जिसके बाद कोल्ड वॉर जो है वो खत्म हो जाता है, और जब कोल्ड वॉर खत्म होता है तो उसी समय पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इस मौके का फायदा उठाती है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जेनेवा के अंदर 1996 के अंदर
कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी प्रस्तुत करती है। इस ट्रीटी के जरिए किसी भी रूप से, सिविलियन रूप से या मिलिट्री रूप से, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए जा सकते हैं, ये कहा जाता है। इस ट्रीटी के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही उठाया हुआ स्क्रीनशॉट है जहां पर लिखा हुआ है कि ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वेदर मिलिट्री और पीसफुल पर्पसेस आर बैंड। इस ट्रीटी के अंदर लगभग 17 अलग अलग आर्टिकल हैं, इसका एक प्रीएम्बल है, 2 एनेक्सेस हैं, और इस ट्रीटी के अंदर कंप्लीट बैन की बात की गई। जब इस ट्रीटी को साइन करने के लिए लाया गया तो लगभग 196 देशों में से लगभग 187 देशों ने इस ट्रीटी को साइन किया, 178 देशों ने इसे रेटिफाई किया। मतलब 9 देशों ने यहां पर साइन नहीं किया है, और 9 देशों ने यहां पर साइन तो किया है पर रेटिफिकेशन नहीं किया है। रेटिफिकेशन होता क्या है, अगर कोई भी कंट्री किसी ट्रीटी को साइन कर देती है तो उस ट्रीटी के अंदर जो भी चीजें कही गई हैं उसे फॉलो करना शुरू करना है, के लिए कोई कानून निकालना या फिर कोई पॉलिसी निकालना, कोई नियम निकालना, उसे रेटिफिकेशन कहा जाता है। तो 9 देशों ने रेटिफिकेशन नहीं किया, 9 देशों ने ना तो साइन किया ना रेटिफिकेशन किया, यानी कि लगभग 18 देशों ने रेटिफिकेशन नहीं किया है, 9 देशों ने साइन नहीं किया इस ट्रीटी को। पर अगर आप यहां रशिया को देखोगे तो रशिया ने 24 सितंबर को इस ट्रीटी को साइन किया था और 30 जून 2000 को इस ट्रीटी को रेटिफाई किया था। यूएस ने इस ट्रीटी को साइन किया पर रेटिफाई नहीं किया। भारत ने इस ट्रीटी को ना तो साइन किया ना रेटिफाई किया। इवन 8 मेजर देश ऐसे हैं जिन्होंने ना इस ट्रीटी को साइन किया है या तो फिर इसे रेटिफाई नहीं किया है। इन देशों के अंदर चाइना, इजिप्ट, इंडिया, ईरान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट शामिल हैं। अब आप खुद समझना, अगर चाइना ऐसी ट्रीटी को साइन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली भारत भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फिर भारत भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाएगा। चाइना लगातार न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट होगी, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन अपने आप में या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज अपने आप में एक इनसिक्योरिटी है। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर ये देश रेटिफाई नहीं करते हैं तो फिर ये जो CTBT ट्रीटी है ये प्रॉपर रूप से कभी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, और इसका इंप्लीमेंटेशन अभी तक हो भी नहीं पाया, क्योंकि ये बड़े देशों ने इस ट्रीटी को साइन या रेटिफाई नहीं किया। इसी कारण से ये ट्रीटी 1996 में हुई थी, आपको याद होगा। तो भारत ने इसके बाद 1998 के अंदर 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, पाकिस्तान ने भी 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1998 के अंदर, नॉर्थ कोरिया ने 2006, 2009, 2013, 2016 में 2 बार और 2017 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, जो दर्शाता है कि ये ट्रीटी जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो कई सारे देश जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया या फिर रेटिफाई नहीं किया उसके बावजूद इन्होंने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फ्रांस, इन्होंने इस ट्रीटी के बाद में कोई न्यूक्लियर टेस्ट करने का प्रयास यहां पर नहीं किया है। ये चीजें हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती हैं। अब क्या हुआ कि ऑलरेडी ये ट्रीटी बैक स्टेज पे है, ऑलरेडी इस ट्रीटी के अंदर कई सारे बड़े देश जैसे भारत, चाइना, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने या तो रेटिफिकेशन नहीं दिया या फिर साइन नहीं किया, पर वहीं रशिया यहां पर साइन करके और रेटिफाई करके दोनों चीज करके बैठा है। ऐसी कंडीशन में अगर यूएस रेटिफिकेशन नहीं करेगा तो रशिया को इनसिक्योरिटी होगी। अभी तक वो इंसिक्योरिटी महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा नहीं था 1996 के बाद यूएस और रशिया के बीच में। रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा, जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है ऐसी कंडीशन के अंदर रशिया की इनसिक्योरिटीज बढ़ रही हैं, जिसके कारण से रशिया को लग रहा है कि ये न्यूक्लियर जो ट्रीटी है वो कहीं ना कहीं यूएस को एक एज दे रही है, रशिया को नहीं दे रही, और रशिया अपने रेटिफिकेशन को हटाने के लिए रिसेंटली कानून पारित कर चुका है, और रशिया ने अपने रेटिफिकेशन को इस ट्रीटी से हटा लिया है, यानी कि अब 18 नहीं बल्कि 19 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया हुआ। जब ये रेटिफिकेशन हटाया गया ठीक उसी समय पर रशिया ने मेसिव रिटेलिएटरी न्यूक्लियर स्ट्राइक भी की थी। ये चीज हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। अब सवाल उठता है कि भारत ने इस ट्रीटी को क्यों रेटिफाई नहीं किया है? तो भारत का कहना यह है कि पहली चीज कि न्यूक्लियर टेस्ट को ही हटाने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना चाहिए टाइम बाउंड मैनर में, जहां पर परमानेंट मेंबर हो या नॉन परमानेंट मेंबर हो, हर एक देश अपने न्यूक्लियर वेपन को नष्ट करे। सबसे पहली चीज
जो हम लोगों को चाहिए, यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट को बंद करने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को न्यूक्लियर वेपन ही हटाने पड़ेंगे, जो कि अल्टीमेट रास्ता है इंटरनेशनल लेवल पे न्यूक्लियर इनसिक्योरिटी को खत्म करने का। वहीं दूसरा भारत का कहना यह है कि यह ट्रीटी अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ऑलरेडी यूएस ने 1000 से ज्यादा टेस्ट कर ली है, रशिया ने 700 से ज्यादा टेस्ट कर ली है, चाइना 45 से ज्यादा टेस्ट ऑलरेडी करके बैठा है, यानी कि परमानेंट मेंबर ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं न्यूक्लियर एनर्जीज का, न्यूक्लियर का। न्यूक्लियर टेस्ट जब उन्होंने कर लिया है तो वो न्यूक्लियर चीजों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। वहीं डेवलपिंग कंट्री अभी तक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाई है, तो उनको अभी तक चीजें क्लियर नहीं है। ऐसी कंडीशन के अंदर डेवलप्ड कंट्री पहले ही एज प्राप्त कर चुकी है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर चुकी है, अब वो क्या कर रही है, इस ट्रीटी के माध्यम से डेवलपिंग कंट्री को रोक रही है ताकि वो लोग न्यूक्लियर टेस्ट ना कर सके, ऐसा भारत का कहना है। और भारत का कहना यह भी है कि चाइना और पाकिस्तान जब तक रेटिफिकेशन नहीं करते, भारत रेटिफिकेशन कैसे कर दे, क्योंकि भारत की बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान और चाइना का लगातार खतरा बना रहता है, तो ये कारणों से भारत ने अभी तक इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतने रखते हैं, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा सीटेन कमेंट करना। साथ में अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप ऑफलाइन आ सकते हो फाउंडेशनल सक्सेस प्रोग्राम के अंदर, जिसकी बैच अनअकैडमी द्वारा 6 से 16 नवंबर के बीच में शुरू होगी। ऑफलाइन क्लासेस यहां पर हम लोगों के द्वारा ली जाएगी, आप बिल्कुल से इस क्लास के अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हो। कॉन्टैक्ट अगर आप लोगों को हमारी टीम से करना है तो ये नंबर है, याद रखना, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो तो आप SRC10 कोड का यूज करोगे, जिसके बाद में आप लोगों को डिस्काउंट और मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा एक अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जा रहा है, अगर आप चाहते हो कि ये जो टेस्ट ये जो बैचेज हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, बहुत ही सस्ते रेट के अंदर मिल जाए, ये आपको स्कॉलरशिप मिल जाए अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो, जहां पर आपको 100 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ में शुरू के 3 रैंकर को लगभग 3.5 लाख रुपए तक के रिवॉर्ड मिलेंगे, टॉप 3 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, इसके साथ में टॉप 30 बच्चों को 30% तक की स्कॉलरशिप जो है वो मिलने वाली है। तो इस टेस्ट को जरूर देना, ये टेस्ट ऑफलाइन होने वाला है दिल्ली और प्रयागराज के सारे सेंटर्स के ऊपर। याद रखना, अगर आप लोग ये स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने नीचे पिन कराई है, 4 नवंबर लास्ट डेट है जब आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, जय हिंद जय भारत। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।